नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद छोड़ने पर भाजपा नेता सह पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत शुद्ध होकर रघुवंश जी ने यह निर्णय लिया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सासाराम में कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह विशुद्ध लोहियावादी हैं और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ लंबे समय तक काम भी किया है, लेकिन समाज का अंत्योदय कैसे हो वह उनके सिद्धांत का मूल रहा है। देखिए, रघुवंश बाबू बहुत ही पुराने और वरिष्ठ और प्रखर समाजवादी नेता रहे हैं। लोहिया जी के प्रिंसिपल पर चलते हुए कर्पूरी ठाकुर जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी जो जमात की राजनीति करते थे, जो जिनके साथ दीनदयाल जी भी मिले थे 67 में, कि निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कैसे उत्थान किया जाए, जिस तरह का उन्होंने पत्र लिखा है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को इंगित करते हुए, ये साफ संकेत है कि रघुवंश बाबू आरजेडी में इतने साल रहने पर भी कर्पूरी ठाकुर जी जो चाहते थे कि जो उसमें जमात है छोटी छोटी जातियों को जिसको ईबीसी कहते हैं उसका उत्थान हो, उनको लग गया कि राजद में रहते इसके लिए हम काम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि नेता तो गरीबों के काम करने के लिए ही होता है, नेता कोई अपने लिए नहीं होता है। राजनीति लोकतंत्र की जो होती है वो होती है वंचित लोगों के लिए, दबे कुचलों के लिए और विकास के लिए है। तो उस राज में न विकास हुआ न गरीबों का उत्थान हुआ, दोनों में कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए बहुत क्षुब्ध लगे और बहुत दुखी मन से उन्होंने रिजाइन किया है। और मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ रघुवंश बाबू की,